हेलो बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। दिस विल बी फॉर द क्लास 12। फाइन, तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ डायग्राम्स पे रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। और जब डायग्राम की बात आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बेटा आप देखते हैं कि वहां पे डायग्राम पे ही आपको फोकस करना होता है, वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन का कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिले ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, देन योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन मेकिंग अ वेल लेबल डायग्राम। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सभी डायग्राम बेस्ड रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट डायग्राम आपके सामने आ रहा है। सो ओके स्टूडेंट, टुडेज सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग रियली। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारे डायग्राम जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पे वन बाय वन आते रहेंगे। फर्स्ट डायग्राम है आपका TS ऑफ एंथर। TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। डायग्राम जिस टाइप से आपको दिखाया जा रहा है वैसा आप ड्रॉ करके आएंगे और वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है। कलरिंग आप ना करें, सिर्फ पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है, कोई पेन वैन कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको पेंसिल यूज़ करनी है। शेडिंग आप उसमें दें, डार्क करेंगे आप। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, थर्ड लेयर इज मिडल लेयर, एंड द इनर मोस्ट फोर्थ लेयर इज टेपिटम। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट इज द स्पोरिजिनस टिश्यू, एंड इन बिटवीन द टू एंथर लॉब देर इज ए कनेक्टिव। इज इट क्लियर टू ऑल? मूव टू नेक्स्ट डायग्राम। सो नेक्स्ट डायग्राम इज टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म दिखाया गया है, जिसमें थ्री टाइप के एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। सो फर्स्ट एंडोस्पर्म इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये आपका। फाइन, फर्स्ट है यहाँ पे आपका ओस्पोर, देन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है विदाउट वॉल फॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकेंड इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर क्यों है? बिकॉज दिस मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर विल बी डिवाइडेड इंटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बाय वॉल फॉर्मेशन और यू कैन से साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट ओस्पोर, देन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट टाइप इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल है आपका नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपका हेलोबियल रहेगा, ओस्पोर एंड एम्ब्रियो। हेलोबियल जो है इंटरमीडिएट है आपका न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म में। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज एलएस ऑफ ओव्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आप स्किप ना करें। ठीक है, अदरवाइज जो है ये लेंथी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 मार्क्स में, या आपको ऐसे भी दिया जा सकता है डायग्राम दे दें, ए बी सी डी ई आपको लिख कर दे देंगे और पर्टिकुलर जो आपको लेबलिंग करनी होगी वो पूछी जा सकती है, या क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में भी पूछा जाएगा। सो फर्स्ट हियर इज क्लाजेला, दैट इज द अपोजिट एंड, एंड इट्स अपोजिट एंड इज द माइक्रोपाइल थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंटर्स। नेक्स्ट न्यूसेलस, दैट इज अ मल्टी सेलुलर टिश्यू, देन इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट मीन्स कवरिंग, यू कैन ऑल्सो लेबल इट एज अ आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं क्लाजेला एंड की तरह, जहाँ पे इनका कोई यूज नहीं है, दे विल डिजनरेट सून। नेक्स्ट देयर इज ए सेंट्रल सेल हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई, दीज पोलर न्यूक्लियाई कैन बी रिटन एज सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस थ्रू विच 1 मेल गैमेट कंबाइन एंड फॉर्म्स एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच विल बी डेवलप्ड इन टू एंडोस्पर्म। नेक्स्ट देर इज एग और ओस्फियर सराउंडेड बाय सिनर्जिड्स, एंड देन देर इज ए वास्कुलर स्ट्रैंड
नेक्स्ट इज दी रेफी पार्ट। तो यहाँ तक ये सारी लेबलिंग आपको क्लियर है, ठीक है। ना समझ में आए तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी का जो है बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत रहता है। तो सिर्फ वो बोलने के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट डायग्राम, डाइकोट एंड मोनोकोट सीड, बीन सीड डाइकोट, कॉर्न सीड मोनोकोट। कॉर्न मीन्स मेज, मेज मीन्स मक्का, तो मेज और मोनोकोट एग्जाम्पल याद करने में आपको हेल्प करेगा। बीन सीड, बीन मतलब एक जैसे राजमा शेप आप देखते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आपको यहाँ पे एम राइट करना है, एम्ब्रियो। एपिकोटाइल, अबोव ग्राउंड पार्ट थ्रो विच फ्यूचर शूट, जो प्ल्यूम्यूल है बनेगा, प्ल्यूम्यूल से आपका शूट, शूट से आपका स्टेम और स्टेम पर होंगी लीव्स। देन हाइपोकोटाइल, बिलो ग्राउंड पार्ट थ्रू विच रेडिकल, दैट मीन्स यंग रूट विल इमर्ज आउट। देन एंडोस्पर्म इज देयर, एम्ब्रियो। कॉटिलिडन आप देख रहे हैं, डाइकोट में 2 कॉटिलिडन है और मोनोकोट में क्या है बेटा, सिंगल कॉटिलिडन आपका प्रेजेंट है। देन देयर इज अ सीड कॉट, जिसे आप पील, पील समझते हैं आप, छिलका, ठीक है, पील मीन्स छिलका। क्लियर है डायग्राम, ये मैं आपको करवा रही हूँ, हो सकता है कि इससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। डायग्राम आपको इजी वे में शो किया है, तो ये आप ध्यान रखें, जिस टाइप के डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं वो आप आसानी से जो है ड्रॉ कर सकते हैं और लेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करो और मार्क्स आपको बढ़िया मिलने वाले हैं, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, उसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर, देन सेमिनल वेसाइकल थ्रू विच सीमन इज रिलीज्ड, वास डिफेंस फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म, देन देयर इज ए प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, देन यूरिथ्रा, देर इज़ अ सिंगल ओपनिंग फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, तो सिंगल जेनाइटल ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देन पेनिस पार्ट, कोपिलेटरी ऑर्गन जिसे कहा जाता है, दिस इज द टेस्टिस पार्ट, पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, एपिडाइडर्मिस फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, दैट स्टोर्स द स्पर्म, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर स्किन, दिस इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, एंड द ग्लांस पेनिस लास्ट पार्ट इज देयर, दिस इज दी एनलार्ज्ड पार्ट। फोर स्किन, ग्लांस पेनिस की आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, वो आप 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रिन कैविटी, दिस इज द यूट्रस जिसे वूम, हिस्टेरा बोला जाता है, एक गर्भाशय, फॉर द बर्थ ऑफ ए बेबी। यूट्रिन फंडस, फेलोपियन ट्यूब, अगर फेलोपियन ट्यूब पे क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें इतना पोर्शन डायग्राम का ड्रॉ कर कर आए, स्क्रीन पे आपको साफ साफ लेबल हो रहा है। देन इस्थमस एंड एम्पुला, दिस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस। देन दिस लोवन पार्ट इज इनफंडिबुलम, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फेम्ब्री, पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट, वन इज ऑन राइट साइड एंड अदर इज ऑन लेफ्ट साइड। नेक्स्ट सर्विक्स, देन सर्वाइकल कैनाल जिसे बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, बर्थ कैनाल, ऑल राइट, एंड देन वजाइना। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन एग ओवियम एंड ह्यूमन स्पर्म, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ। डायग्राम यहाँ पे कलरफुल शो किया है क्योंकि लाइफ में कलर तो होने चाहिए, लेकिन अभी आपकी लाइफ जो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है तो आप पेंसिल का यूज़ कर लेना, अभी ज़्यादा कलरिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोरोना रेडिएटा, फॉलिकुलर सेल्स हैं, दीज सेल्स अपीयर लाइक द रेज, दैट्स वाई कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा, जेलीकॉट विच बिकम
heart after the entry of the sperm. As a result, not to allow more entry of the sperm. एक बार fertilization हो जाए तो जो ना पेलोसीडा थोड़ा hard हो जाएगा, जिसकी वजह से जो extra sperms को अंदर enter नहीं होने देगा. Cortical granule. Next, human sperm. First head part. Its tip is acrosome. Acrosome part important है. क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि एक्रोसोम किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे गॉल्गी बॉडी का. ठीक है. नेक्स्ट न्यूक्लियस, देन सेंट्रियोल, मिडल पीस. मिडल पीस बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसे पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि एटीपी चाहिए ताकि स्पर्म आसानी से स्विम कर सके. देन टेल और फ्लैजेलम पार्ट, दिस इज द एक्सोनियम. And this end part is the end piece. End piece. Clear हो रहा है? ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे फोर फेजेस दिखाए गए हैं. 28 डेज का एक लाइफ साइकिल है, ये टाइम पीरियड है जो इसका. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्च. क्या कहेंगे? मेनार्च. स्पेलिंग मिस्टेक ना करें आप. मेंस्ट्रुएशन जो वेरी करता है 3 to 5 डेज या 2 to 8 डेज टाइम पीरियड रह सकता है. प्रोलीफेरेटिव फेज, प्रोलीफेरेशन का मतलब है जैसे सेल हैं वैसे अपने जैसे सेल बहुत सारे बनाता चला जाए. देन इन मिडल देर इज ओव्यूलेशन, 14th डे को ओव्यूलेशन होगा. एग ओसाइट स्टेज में रिलीज होगा भाई. एग एग फॉर्म में ना कह के हम कहेंगे कि सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रिलीज होता है 14th डे को. ध्यान दे ये बात पर. देन आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग देयर विल बी एम्प्टी कॉर्पस ल्यूटियम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो एक येलो ग्लैंड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा. दिस इज द सिक्रेटरी फेज. आफ्टर 28 डेज द साइकिल विल बी रिपीटेड. ईजी लग रहा है, मजा आना चाहिए आप लोगों को. नेक्स्ट डायग्राम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. सो एमनियोटिक कैविटी, एमनियन, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक गट, कोरियन, एलेंटॉयस, जिसमें एंडोडर्म मेसोडर्म आपको शो किया गया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम, यॉल्क सैक, जो अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन रहता है जहाँ पे, आफ्टर दैट इट इज़ ऑफ नो यूज, प्लेसेंटल क्रॉइनिक विलाई. विलाई दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो, ये जो है एम्ब्रियो है जो धीरे धीरे एक फीटस और फाइनली एक बेबी में कन्वर्ट होगा. क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. देखो एक्सपेक्टेड डायग्राम जितने मुझे लगे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट है आपका डायग्राम न्यूक्लियोसोम. इम्पोर्टेंट है ये आपका, जिसे एनयू एनयू बॉडी भी कहा जाता है. फर्स्ट डीएनए. डीएनए आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टर्न वन टर्न एंड देन, तो ये टर्न आपकी 1.75. और क्या देख रहे हैं, कैसी है ये टर्न? लेफ्ट हैंडेड है. ये क्वेश्चन है तुम्हारे, ये आपके बेटा क्वेश्चन है. ओके, लेफ्ट हैंडेड, फाइन. हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन प्रोटीन का नाम है. यहाँ पे ध्यान रखना हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड है. ओक्टा, ओक्टा का मतलब होता है 8, H2A, H2B, H3, H4, 2 each. तो 2 each, 4 to the 8. आप कहोगे कि मैम तो बायो के पेपर में मैथ सिखा रही हैं. कोई नहीं, इतना तो आता है तुम लोगों को. कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल. क्लियर, डायग्राम इजी है आपका. नेक्स्ट रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन में अगर टॉपिक आपका आता है तो ये डायग्राम आप जरूर ड्रॉ कर कर आएंगे. ठीक है, रेप्लिकेशन है ये आपका बेटा. फर्स्ट 5-3 एंड का जरूर ध्यान रखें,
टेम्पलेट स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फोर्क, आप देखें जैसे फोर्क जो आप चाउमीन मैगी खाते हैं ना फोर्क से, वैसे ही शेप आपको नजर आ रही है, मजाक कर रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन फोर्क आपने देखा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज अगेन, क्योंकि डीएनए से जब डीएनए बनना होगा तो डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी। ओका जाकी फ्रेगमेंट्स कहें या ओका साकी फ्रेगमेंट, ये साइंटिस्ट का नेम है। लेगिंग स्ट्रैंड एंड देन लीडिंग स्ट्रैंड, ये लेगिंग है, ये लीडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से जो है आप लेबलिंग करें। डायग्राम देखो बेटा क्या है, सिंपल दो डायग्राम है। अभी भी तुम लोग नहीं प्रिपेयर करोगे तो मुझे बताओ कब करोगे, पेपर के बाद थोड़ी ना करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान देते हुए चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट डायग्राम। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में पूछा जाए तो ये डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डीएनए है 5-3 एंड आपको लेबल करना है। देन यहाँ पे एक आप एंजाइम देख रहे हैं ए 5- एंड और 3- एंड पे एक बार ध्यान दें, MGPPP, इसका मतलब क्या है, मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कैपिंग करेगा। और पॉलीएडिनाइलेट टेल जो 3- एंड पे है, MCQ बन गया आपका। यहाँ पे आपको बताया था मैंने कुछ एक्सोन है जो कि कोडिंग सीक्वेंस है और इंट्रोन है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इनकी यूज नहीं है। तो बाय द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोसेस, स्प्लाइसिंग आपको बताया था मैंने, इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो स्प्लाइसिंग क्या करेगा, इन इंट्रोन्स को लूप की फॉर्म में कट कर देगा, बाहर निकाल देगा और आपको एक कॉन्टिन्यूस mRNA सिंथेसाइज होगा आपका, जिस पे 5- एंड पे MGPPP मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 3- एंड पे पॉली ए टेल है, वो आपको मिलेगा। तो आपका इंट्रोन जो है अलग हो गया और एक्सोन जो है आपका सील हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज, इट विल सील द गैप सो दैट ए कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ mRNA विल बी सिंथेसाइज्ड। ईजी है, तैयार कर लेना, ये टॉपिक छोड़ना मत। नेक्स्ट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसे आप ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ब्लेंडर नहीं ब्लेंडर, जैसे ब्लेंडर देखा है ना घर में जो बनाना शेक आप बनाते हो। सो यहाँ पे आप थोड़ा इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ा सा रेड पेन से मार्क कर दें ताकि एग्जामिनर को आसानी से यहाँ पे समझ में आए, क्योंकि आप लेबलिंग कर रहे हैं। बैक्टीरियोफाज है, हर्शे ये मेल का नाम है, मेल साइंटिस्ट है, और चेज मार्था चेज लेडी का नाम है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ले लो। बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव 35S सल्फर प्रोटीन, क्यों, क्योंकि आपके प्रोटीन में दो अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो सल्फर कंटेनिंग है, मिथ्योनिन मैट एंड सिस्टीन CYS सिस्टीन, ये दो ऐसी अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, डीएनए में तो पता है फॉस्फेट होता है, तो उसको लेबल कर दिया 32P से। अब स्टेप को याद रखना है, फर्स्ट इन्फेक्शन करना है, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग का मतलब है कि उसमें एक टाइप का मिक्सचर है, और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से जो डीएनए लेबल हुआ है वो एंटर करेगा, हेड पार्ट को जो लेबल किया था वो नहीं होने वाला, हेड पार्ट विल रिमेन आउटसाइड। तो कोई रेडियो एक्टिविटी नज़र नहीं आई, सुपरनट एंड में रेडियो एक्टिविटी दिखी, और इस साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 32P में रेडियो एक्टिविटी नज़र आती है। तो ये क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट, लेकोप्रिन, बार बार बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। लेक का मतलब है लैक्टोज, ओप्रिन जो एक फंक्शनल यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, PIPOZYA इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो याद रखो PIPOZYA, ये तो ट्रिक है भाई, आप अपनी ट्रिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू। रिप्रेसर mRNA, एक रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर जब ऑपरेटर से बाइंड करता है तो ये RNA पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा कि आगे कोई भी प्रोसेसिंग मत होने दो, कोई ट्रांसलेशन मत होने देना,
नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, एक इंड्यूसर आया जिसने रिप्रेसर को कर दिया बाइंड. इंड्यूसर आ गया आपका, रिप्रेसर को कहा कि मैं तेरे को ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होने दूंगा, तो मत होने दो. तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस, गलत ना करें, ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन तीन दिखाई गए हैं, जेड वाई ए. ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना. अब इनके एंजाइम याद करेंगे, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज, ए से ट्रांस एसिटाइलेज. तो ट्रांसलेशन हो गया, मतलब प्रोटीन आपका एंजाइम की फॉर्म में बन गया. टॉपिक भी आप इम्पोर्टेंट मान के चलना, इसको आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट करके जाओगे. नेक्स्ट डायग्राम, बायो रिएक्टर, सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपका, और कोशिश करें कि डायग्राम बना के आएँ. अब आप बोलोगे कि मैम तो हर चीज़ में कह रही है कि डायग्राम बना के आओ, तो उसका कोई लॉजिक होगा तब आपको ये बात बोली जा रही है बेटा, ठीक है. तो डायग्राम आपको करना ही करना है. एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, ठीक है. स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, देन मोटर, फॉर्म ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, कल्चर ब्रॉथ एंड द स्टराइल एयर. ये आप यहाँ पे लेबलिंग करके शो करें. नेक्स्ट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है आपका बहुत ही ज़्यादा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ. ये ग्रोथ कर, ये मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और अदरवाइज वेब से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो ऑन वाई एक्सिस प्लॉटेड पॉपुलेशन साइज एंड ऑन एक्स एक्सिस प्लॉटेड टाइम, ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट फॉरएवर. व्हाई? एक्सपोनेंशियल कैसा बताया था, जे शेप्ड. तो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, अनलिमिटेड है, तो कोई चीज़ अनलिमिटेड आपको मिलेगी तो हम तो ग्रो ही करते चले जाएंगे, है ना. आपको खाने को मिलता रहे पूरा टाइम, अच्छा अच्छा, तो आप तो मोटे होते चले जाओगे. लॉजिस्टिक में बताया था एल, एल से बना था लिमिटेड, तो लिमिटेड बना है कोई चीज़, तो एस शेप आप देख रहे हैं. एस का मतलब क्या बताया था, सिग्मोइड बताया था ना मैंने. तो आप क्या देख रहे हैं, अर्ली ग्रोथ एक्सेलरेट क्विकली, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ बिफोर इट बिगन्स टू स्लो, देन लेटर ग्रोथ स्लोज टू ज़ीरो, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसे आप सिग्मोइड शेप भी कहते हैं. तो लॉजिस्टिक लिमिटेड रहेगा, एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड रहेगा. क्लियर है? सो बेटा ये आपके. ओके फाइन बेटा, तो आज आपने एटलीस्ट 15-16 डायग्राम जो है पूरी बायोलॉजी के डिस्कस किए हैं. सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप कोई भी डायग्राम स्किप ना करें, ना वीडियो को स्किप करके आप देखेंगे. इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे. डायग्राम को बार बार देखें, ड्रॉ करके देखना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैम ने करवा दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन एक बार आप रफ नोटबुक में डायग्राम को बार बार बना के देखें, लेबलिंग को अच्छे से आप करेंगे और ध्यान भी रखेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएंगे, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो इन वीडियोस को आप देखें ताकि वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाए. और अगेन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट.